नमस्ते, मेरा नाम मिताली खांबेटे है और मैं साई करुणा मिशन से 2014 से जुड़ी हूँ। मैंने करुणा रेकी, साइकिक सर्जरी और हमें बहुत हीलिंग मोडालिटीज सिखाई जाती है। रिट्रीट्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी मोडालिटीज सिखाई जाती है, प्रैक्टिस होती है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 2012 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं था और बाद में जब मैं एसकेएम में आई, डॉक्टर उदय शाह जो ओनर है इसके, उनके बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो मैं हमेशा सुनती थी। लेकिन जब से मैं रिट्रीट में गई, फर्स्ट रिट्रीट होने के बाद मेरा बहुत चेंज हो गया और मैं वो डिप्रेशन में से बाहर आ गई। और जैसे जैसे मैं और रिट्रीट्स करती गई, मुझमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। मीन्स ऑलमोस्ट एवरी रिट्रीट में मेरा कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सब लोग भी समझ गए हैं कि मैं अभी बहुत बदल गई हूँ, मीन्स पहले जैसे हो गई हूँ। एंड एवरीबडी, ऑल माई रिलेटिव्स इंक्लूडिंग माई सन, एवरीबडी सो हैप्पी। और उसका सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाते हैं। लेकिन मैं समहाउ, मैं बहुत बार रिट्रीट्स में गई लेकिन मैं पास्ट लाइफ में नहीं गई। तो अभी मैंने सोच लिया था कि चलो, मैं मुझसे नहीं होने वाला है और मुझे जाना भी नहीं है। तो आज मैंने एक लास्ट करके सोच, और अगर दिखाई भी नहीं देगा तो भी हीलिंग हो जाती है करके मैंने आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और बहुत अच्छा से हो गया। मुझे पहले तो उसमें सडनली मुझे ही पता नहीं चला, एक्चुअली मैं अभी बहुत रिकवर हो गई हूँ, लेकिन सडनली मुझे बहुत रोना आने लगा, पता नहीं कैसे, और बहुत रोई मैं। और लिटरली मुझे मेरे गुरु जो गजानन महाराज है, उनका एग्जिस्टेंस फील हुआ, मेरे हस्बैंड का एग्जिस्टेंस फील हुआ। और पहले तो मुझे लगा नहीं, मुझे आना है, आपके पास आना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वापस आना है। बहुत दो चार मिनट मुझे यही फीलिंग थी, मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाद में समहाउ अपने आप ठंडी हो गई। मीन्स गुरु गजानन महाराज ने भी थे और जैसे कि वो थोड़ी वेव कम हो गई, मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम नहीं आ सकती है, तुमको चलना होगा, अभी टाइम नहीं आया है। और जो इतना अच्छा, यू आर लकी कि तुम स्पिरिचुअलिटी में आई हो, इतने अच्छे गुरु मिले हैं, इतनी अच्छी अच्छी, हमारा रोज़ मेडिटेशन होता है, शाम को सेशन होता है, और बहुत मेरा सभी पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया है। और बहुत मुझे जितना मिलेगा उतना लेना है। बस एक दो मिनट के लिए मुझे लगा कि मुझे आना है वापस, आना है वापस, लेकिन बाद में मैं काम हो गई। और फिर पास्ट लाइफ में लेके जाने के लिए जब उन्होंने शुरू किया, तो मुझे समहाउ लगा कि नहीं, मुझे पास्ट लाइफ में कुछ बाकी नहीं है, मेरा कुछ देखने का बाकी नहीं है, मेरा सब कुछ ठीक है। और मुझे खाली एक आसमान दिख रहा था और मुझे ऊपर जाना था, तो मैं यूनिवर्स में चली गई। यूनिवर्स में मुझे बहुत, जो हम रोज़ इन्वोक करते हैं उनमें से मोस्टली गॉडेसेस, लक्ष्मी माँ ज़्यादा करके दिखाई दी। सभी आजू बाजू में मेरे गॉडेसेस थी, डिवाइन एनर्जी थी, मेरे गुरु थे। और जब माता पिता थे तभी मुझे, मैं सडनली छोटी सी हो गई थी और वो मुझे पैम्पर कर रहे, मुझे लगा मैं उनसे मिली हूँ। मैं बहुत हैप्पी थी, ब्लिसफुल थी। लेकिन जब जैसे ही मुझे हस्बैंड दिखते थे तो मैं थोड़ी नर्वस हो जाती थी। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि, मीन्स मुझे ऐसा ख्याल आया कि नहीं, मैं साथ में हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, और तुम जो करती हो मैं देखता हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे हमने बहुत मोडालिटीज़ भी सीखी है, तो लेमन और हम लोग में थोड़ा डिफरेंस है कि मेरा बहुत सर भारी हो गया, लेकिन मैंने अपने आप हीलिंग किया, मुझे सिम्बॉल्स भी आते हैं। और जैसे को लैंडिंग होता है वैसे मैं नीचे आ गई और फिर मुझे, मीन्स इस तरह मेरा पास्ट लाइफ हुआ।
और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसी और भी कोई लेडीज़ हो जो याद करती हो हस्बैंड को, तो सोच लेना चाहिए कि हम नहीं देख सकते उनको, लेकिन वो हमें देखते हैं, वो हमारे साथ हैं, और जो ज़िंदगी है वो तो हमें गुजरनी पड़ेगी, उसको हंसी से हंसी हंसी खुशी से गुजारनी है, और वो तो हमारे साथ है ही, हमारे गुरु है, देवता भी है। और आज मुझे बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ, और अभी आज के बाद मुझे मीन्स मेरा कुछ अलग ही माइंडसेट होगा कि चलो मुझे मीन्स सब लोग है, गॉडेस सबकी ब्लेसिंग्स है, और मुझे लगा अभी सभी मैनिफेस्ट हो जाएगा जो मैं चाहती हूँ। और जैसे मेरे मन में ख्याल आया, जो मेरा रिग्रेशन ले रहा था उसने भी यही बोला कि आज से तुम्हारा सभी मैनिफेस्ट होगा। तो मैं भी मीन्स जो मेरे मन में ख्याल आया वो ही उनको, जो गुरु है उन्होंने उनको भी गाइड करने को बोला, तो मुझे कोइंसिडेंट लगा, और लगा कि मीन्स सचमुच अभी सब कुछ अच्छा होगा, जो हो गया वो हो गया। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको भी पास लाइव करना चाहिए, इस गेम से अगर आप जुड़ोगे तो अच्छा है, बहुत मोडालिटीज़ और बहुत मज़ा आती है, हम मज़ा भी बहुत करते हैं, रिट्रीट्स में भी जाते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में भी सब लोग बहुत अच्छी तरह से माहिर है, हमको बहुत अच्छी से एनर्जी आती है और बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू।